फर्स्ट आइटम है ये, जो कि मैं पहले ही ओपन कर चुकी हूँ क्योंकि सामान काफ़ी पहले आ चुका था। अगर ये कुछ टूटा फूटा होता तो मुझे रिटर्न भी करना था, और मैं अगर अनबॉक्सिंग आपके सामने करती तो रिटर्न का टाइम चला जाता क्योंकि काफ़ी सामान मंगाए थे और काफ़ी गैप आए थे तो मुझे अनबॉक्सिंग करने पड़ गई। तो आप देख लीजिए, ये मैंने एक सामान मंगाया था, उसमें पहले ये डबल रैपिंग आई है और इसके अंदर एक पहले अमेजोन का बॉक्स है, फिर इसके अंदर जो वेंडर है जिसने ये भेजा है ये उसका सामान है, और इसके अंदर भी अच्छी खासे बॉक्स है आप देख, और इसके अंदर प्रोडक्ट है। तो ये भी बबल रैप होके आया था। तो गाइज ये है एक टी लाइट होल्डर जिसके आप देखते हो। हाँ, और इसके अंदर है एक कैंडल, बट ये वाली कैंडल ना उतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली इतनी अच्छी नहीं है, मैंने इसे यूज भी करके देखा था, ये बहुत ही बेकार है। और इस टाइप के दो हैं, दिवाली पे काफी सुंदर लगते हैं इसमें कैंडल लगा के, बट इसके साथ जो कैंडल आई वो बिल्कुल वेस्ट है। मैंने एक बार मतलब जला के देखी है तो एकदम बेकार थी। तो स्क्रीन पे आपको इसके प्राइस मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं इसमें जब टी लाइट कैंडल आप रख देते हैं उसके बाद ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो सेकंड वाला मैंने कुछ ऐसे आया, आप देख लीजिए ये ऐसे बॉक्स में आते हैं। ये एक्चुअली मिरर स्टिकर है, 100 का ये सेट है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से है ये, मैं इसको ना इसको हटा के भी दिखाती हूँ, इसमें जो मिरर होता है ना। तो गाइस आप देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मैंने ये अपनी वॉल के लिए मंगाया था, आपको जल्दी इसका यूज दिखने वाला है, और ये काफी सुंदर है, और ये 100 का पैक है। स्क्रीन पे आपको इसका प्राइस मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और ये मैंने गिने भी थे तो 100 से 2-3 एक्स्ट्रा ही थे, कम नहीं थे, और ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, ये बाय मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस थर्ड प्रोडक्ट से, जो कि ऐसे एक रैपिंग पेपर में आए थे, किसी बॉक्स वगैरह में नहीं आया था। और ये है एक वॉल स्टिकर, मैं आपको इसको ना ओपन करके दिखाती हूँ एक बार। ये बहुत ही टाइनी वाइन का, अरे इधर गलत किया, ये बहुत ही टाइनी वाइन का वॉल पेपर है। स्क्रीन पे आपको इसका प्राइस मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। देखो ये ना इसका ये है एक्चुअल में, ये इसके ना दो है, ये दो शीट है, देखो दूसरी शीट ये किसी भी वीडियो में लगाऊंगी तो जल्दी आपको दिखाऊंगी, और ये भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइज इस हॉल का एकदम अच्छा वाला मेरे को जो मास्टर है वो इस हॉल का ये है, जो कि मैं काफ़ी दिन से मंगाने के लिए मतलब कह रही थी, और फाइनली मैंने मंगा लिया है, जो कि बहुत 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 सुंदर है। मैं ओपन करती हूँ एक सेकेंड, अच्छा मैं दिखाई देती हूँ आपको, हट गया इसमें से, ये एक सामान है इसे, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये ना ऐसे नहीं समझ में आएगा, साइड में मैं इसकी पिक इंसर्ट करूंगी ये एक्चुअली क्या है, और इसका प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ इसके साथ क्या क्या है। ये है एक लैम्प शेड, वो लैम्प
तो गाइस ये का वो है, ये मुझसे तो सेट नहीं होने वाला, होगा भी तो मुझे। और ये इसका ऐसे करती है ना राउंड, अभी मैं इसकी क्लिप ऐड करूंगी ना आपको जब ही समझ में आएगा। तो ये है सेकंड चीज मुझे, और ये है गाइस थर्ड चीज, और ये है फोर्थ चीज शील टाइप, और एक फिफ्थ चीज इसमें है ये। इस वाले में मैं तो खुद डक गई, इन सब से खुद डक गई गाइस। ये है फोर्थ चीज जो कि ओपन नहीं हो रही है, काफी ज्यादा ना फिक्स है इसमें। ये देखो आप देख लो, इसमें पता लग जाएगा आपको, ये है फोर्थ चीज। और गाइस करते हैं इसमें मेन, ये है इसका ग्लास जो कि ये इसमें, और हाँ इसमें ना बल्ब नहीं आया साथ में, बल्ब आपको लेना पड़ेगा अगर आप इस लैंप को बाय करते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, अगर इसको बाय करते हो तो आपको इसको बल्ब इसका लेना पड़ेगा। और ये काफी सुंदर है, जब इसमें बल्ब चल जाता है ना तो ये और ही सुंदर हो जाता है। तो ये है मेरा फोर्थ बाय एंड हाँ फोर्थ बाय अमेजोन से। एक सेकेंड में रख दू इसको अच्छे से पहले। हाँ तो अमेजोन से मैंने इतने ही प्रोडक्ट बाय करे थे, अब मैं दिखाती हूँ आपको फ्लिपकार्ट के जो कि है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये, अब देख लीजिए ये है एक कुशन कवर, एरो हेवन कंपनी का है ये। पहले आप देख लीजिए, मैं एक बार निकाल ही लेती हूँ इसको, एक सेकेंड मैं इसको पहले निकाल लेती हूँ। हाँ तो गाइस ये है पहला इसका डिज़ाइन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मैं सोच रही थी ये ना जूट आएगा, जूट टाइप, पर ये जूट नहीं, देखने में जूट लगेगा कि ये ना, जब मैं उस पिक्चर में देख इसकी पिक्चर में देख रही थी तो मुझको जूट जूट सा लग रहा था, पर ये जूट नहीं है, ये ना जूट में थोड़ा सा प्लास्टिक का है कुछ। तो ये जो प्लास्टिक है ना, मुझे लग रहा है, वैसे तो मैंने वॉश नहीं किया पर मुझे लग रहा है इसका कलर नहीं निकलेगा, और काफ़ी औसम क्वालिटी है। मुझे लग नहीं रहा था इतने प्राइस में ये इतना अच्छा आएगा, जितना प्राइस है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। मैं स्क्रीन पे इसका प्राइस डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। हाँ और ये 16 इंच बाई 16, हाँ 16 इंच बाई 16, ये है पहला। अब आप इसका डिजाइन देख लीजिए, ये है पहला, ये है सेकेंड, उन्होंने अपना ये एरो हेवन का वो भी लगा रखा है, ये है सेकेंड डिजाइन, ये है थर्ड डिजाइन। एकदम एथनिक सा प्रिंट है, और जैसे ही फेस्टिवल पे लगाओगे तो एकदम से फेस्टिव वाइब आ जाएगी। देखो ये सब, ये कितना अच्छा है, इसमें एकदम एथनिक सा प्रिंट है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मेरे को ये बहुत अच्छे लगे थे, अगर वाइट बेडशीट है तो वाइट पे भी लगाओगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये काफी कलरफुल है अपने आप में। ये है इसका फिफ्थ, और सारे ही काफी अच्छे हैं। तो फ्लिपकार्ट के सेकेंड, तो ये है मेरा फ्लिपकार्ट का सेकंड बाय। ये आया था एक फ्लिपकार्ट के बॉक्स में, एक ये था जो वेंडर के यहाँ से बॉक्स है, हाँ उसका मतलब नहीं, ये वेंडर वाला मतलब जो वेंडर के तरफ से आते हैं, आप ना ओपन कर देते हैं। मैंने सारे प्रोडक्ट इसलिए ओपन कर लिए थे बिकॉज मुझे देखना था कोई टूट फूट ना आए हो, क्योंकि रिटर्न करना था और आप समझ सकते हो। तो ये है, एक सेकेंड मैं इसे ना पन्नी से निकालती हूँ जब आपको बताती हूँ। तो गाइज ये है टी लाइट होल्डर, इसमें टी लाइट लग, यहाँ देखो इसमें सर्कल में टी लाइट रख देंगे ना आप, तो पीछे बैक में ये जैसे कि यहाँ रख दी तो पीछे काफ़ी बड़े बड़े से लक्ष्मी गणेश दिखेंगे, जो कि आपके डेकोरेशन में चार चांद लगा देंगे। ये अच्छी बाय है, काफ़ी अच्छी है, पर ना मुझे इसमें एक कमी लगी, मैं आपको बताती हूँ कि इसका ना जो पेंट आप देखो पहले इसमें फोकस आ जाए यार, हाँ जो इसका पेंट है ना ये थोड़ा गोल्डन नहीं है, थोड़ा सा ना मतलब गोल्डन तो है, अच्छे वाला गोल्डन नहीं है। अब देखती हूँ मैं तो इस साल इसको यूज़ करती हूँ, फिर देखती हूँ अगर कुछ कमी आई तो मैं तो स्प्रे पेंट से गोल्डन वाले से इसको पेंट कर दूंगी, बट आप एक बार देख लेना अगर आपको बाय करना है तो, क्योंकि गोल्डन पेंट उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैंने सोचा तो काफ़ी अच्छा था पर उतना अच्छा नहीं, पर हाँ काफ़ी अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइज ये है फ्लिपकार्ट का मेरा थर्ड बाय जो कि है, अरे मैं दूसरा सामान नहीं रखती, जो कि है एक टी लाइट होल्डर, नहीं सॉरी टी लाइट होल्ड, टी लाइट ओनली टी लाइट। तो
ओ सॉरी गाइस, ये मैंने ना यूज़ करी थी अपना वीडियो बनाने में यूज़ की थी, अदरवाइज ऐसे मैं समझना कि ऐसा कुछ आया, ये काफ़ी अच्छा आया था। और इसकी क्वालिटी ना जो मैं बता रही थी आपको टी लाइट के साथ आई थी, एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ तो गाइस ये थी वो टी लाइट होल्डर के साथ जो आई थी, आप देख लो इसकी क्वालिटी ना एकदम ही बेकार है, ये देखो एकदम ही बेकार है। और क्योंकि ये भी मैंने ना जला के देखी थी और ये एकदम ही बेकार है, मतलब जल भी नहीं रही थी अच्छे से, ये थी है। और इसकी मैं दिखाती हूँ आपको, ये एक से एक तो आप अंदर देख लो इसकी कैसा टेढ़ा मेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है। और ये एकदम ही, क्योंकि मैंने यूज़ करी है तो भाई मुझे फर्क पता लग गया। और मैं कहूँगी ना इनके ना जो मोम या फिर ये जो है मोम जो भरा जाता है, ये ना काफ़ी ज़्यादा अंतर है, यानी ये कैसा है। और ये जो है ना एकदम पत्थर टाइप है, एकदम से ऐसा नेल्स भी नहीं जाएगा इसमें, पत्थर टाइप सा है और ना काफ़ी अच्छा जलता है। और इसको निकाल के दिखा दूँ, ये ऐसे होता है कुछ, है ना। इस वाले में देखना क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत ही बेकार है, इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी दोनों ही बहुत बेकार है। क्योंकि ये निकल ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि निकल रहा है तो ख़राब है, ये निकल ही जाते हैं। मुझे तो मैंने ये लिया था 50 का सेट था, हाँ 50 का सेट था। इसके लिए आपको इसका प्राइस मिल गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको आपका लिंक मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा इसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलते, तो गाइज यहाँ पर मेरा शॉपिंग हॉल फिनिश हो चुका है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। पर लास्ट ईयर मैंने 3 सामान ऐसे मंगाए थे जिसमें से मुझे कुछ तो अच्छे लगे और कुछ नहीं, तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से। तो मैंने ये मंगाया था एक टी लाइट बैटरी ऑपरेटर टी लाइट का पैकेट, इसमें ये 12 था। और इसको मैं क्या ही इसकी तारीफ करूँ, आधे तो उसी टाइम ही नहीं चल रहे थे, नहीं मतलब अब तो मुझे लग रहा है ज़्यादा ही अजीब हो गए, नहीं चल रहा है ना। तो ये कुछ ना ऐसे होते हैं, हाँ तो अब देखो ये ना कुछ ऐसे होते हैं, ये मैंने लास्ट ईयर मंगाए थे, ये मुझे तो वैसा वेस्ट लगी। मे बी ये 224 के थे, हाँ मतलब 224 के थे, 12 का पैकेट था ये। और ये एक ही पन्नी में आए थे, इस पन्नी के साथ ऐसे समझ लो, इस पन्नी के साथ ऐसी पन्नी में आए थे, मंगाए मैंने अमेजोन से थे, अमेजोन की वो जो ऐप है मुझे ऊपर थी। बट हाँ मैं इसके ये कहना चाहूँगी, मैंने जिस काम के लिए मंगाए थे मैंने उसमें लगाए अपनी लास्ट डे की दिवाली में, बट ये क्या कहूँ 15 मिनट बाद इनके डाटा फिस हो, ये कुछ नहीं चलेंगे, ये थोड़ी देर की है बस, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, बस ये ऐसे ही चलेगी, बस ये ऐसे ही चलेगी और ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है मेरे को तो। और मैंने यूज़ भी नहीं की 3, मैंने कहा ना मेरे को 3 यूज़ करनी थी और 3 के बाद ही उतनी रखी पड़ी है, मेरे को तो ये बिल्कुल मतलब पैसा वेस्ट चीज़ लगी, मुझे तो इसमें इन्वेस्ट करना ही ठीक नहीं लगा। तो गाइस जो मैं कह रही थी 3 प्रोडक्ट मैंने मंगाए थे, उसमें से एक आप देख चुके हो वो भी बेकार था। अब ये है सेकेंड वाला प्रोडक्ट, ये भी मैंने अमेजोन से ही मंगवाया था, 150 या 160 का कुछ था ये था अरोमा डिफ्यूज़र टी लाइट कैंडल वाला, देखो पैक करके रखा हुआ है मैंने बिल्कुल ही। और ये मेरी एकदम बकवास परचेजिंग थी, मतलब मेरे पैसे वेस्ट हो गए बिल्कुल इसमें, और मैं क्या ही कहूँ। हाँ तो आप देख लो, ये था एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल आया था इसके अंदर, मैं आपको सबका लिंक जरूर दूंगी, आप देखना अपने। देखो मैं इसमें हाथ भी नहीं लगा रही, मतलब काला हो रहा है, तो आपको मैं दिखाती हूँ बच्चे। ये होता है अरोमा डिफ्यूज़र, इसमें ऑयल हमको डालना होता है पानी के साथ करके, तो यहाँ पे हमको लगाना होता है टी लाइट कैंडल, टी लाइट कैंडल। और हाँ मैं एक्चुअली आपको बता दूँ, जो इसके साथ टी लाइट कैंडल आया था ना वो बिल्कुल इसकी कॉपी था, मतलब बेकार आया था एकदम, ये वाली टी लाइट ऐसी ही, मतलब ऐसी क्वालिटी की टी लाइट इसके साथ आई थी। और जो कि इसमें आपको जला के रखनी होती है और जब वो गर्म होता है तो वो रूम में फ्रेगरेंस फैलाता है, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पे एकदम। मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया तो एकदम देखो इसमें दिख ही रहा होगा, देखो कहाँ कहाँ तक इसका मतलब ये जो ये इसका मेल्ट होके मोम पता नहीं कहाँ कहाँ तक आ गया, और एकदम ही गंद मच गया था। तो मैं इसको एडवाइस करूँगी, अगर आप लेना चाहते हो तो लाइट वाला ले, वो बहुत बेस्ट होता है। हाँ क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ देखा है वो काफ़ी बेस्ट होता है, ये वाला तो एकदम ही वेस्ट है। अगर फिर मैंने वैसे उसके बाद ना टी लाइट भी नहीं देती अच्छे वाली, जो मैं सोच रही हूँ इस वाली के साथ इसको यूज़ करके देखूँ, बट उसके लिए भी मुझे एसेंशियल ऑयल ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये अगर ले तो लाइट वाला ले,
और वैसे अच्छा भी है, इतना खराब नहीं है, पर मेरा तो एक्सपीरियंस भी इसके साथ फर्स्ट टाइम खराब है। आप बोलोगे क्या है, अभी इतनी सारे खराब खराब प्रोडक्ट आप हमको दिखाई जा रही है। नहीं, मैंने जितने भी अभी बाय किए थे, मैंने काफ़ी देख दाख के भी बाय किए थे, तो सारे ही प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। हाँ, तो अब मैं थर्ड प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ जो मैंने लास्ट ईयर बाय किया था, वो है ये फेरी लाइट। गाइस, इसकी क्वालिटी एकदम औसम है। मैंने इसको किया था 290 या 229 में बाय किया था, अब तो मुझे पूरा याद नहीं है, मतलब हाँ इन दो रेट में से पक्का श्योर हूँ कि एक ना एक तो था ही। और ये इतनी गजब क्वालिटी की निकली। हाँ, और इसमें भी, हाँ मैं इसका भी एक आपको बता देती हूँ, सॉरी बता देती हूँ कि जब हम इसका लेंगे तो यूएसबी, हाँ बैटरी ऑपरेटर वाली बिल्कुल ना लें, वो भी एकदम बेकार होगी। जैसे बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट एकदम बेकार है ना, ऐसी फेरी लाइट भी एकदम बेकार होती है। यूएसबी केबल वाली लें तो कि वो बहुत ही अच्छी होती है। मेरी लास्ट ऐसे, मैं कंटिन्यूसली इसको अपनी वीडियो में ऐड सामान एकदम फैल गया है, वो भी इधर उधर हो जा रहा है, पता नहीं मेरा पैर लगे एकदम। तो मतलब बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट को, मैं जो मतलब फेरी लाइट को यूज़ करते हैं ना यूएसबी वाली को, तो इसकी क्वालिटी एकदम औसम है। मैं अपनी वीडियो में आप देखते होंगे, मैं बैकग्राउंड में इसे लगा के रखती हूँ। मेरी काफ़ी फ्रेंड पूछ चुकी है कहाँ से ली थी तुमने ये लाइट, तो मैं उनको बता भी चुकी हूँ। और क्या कहते हैं, ये फेरी लाइट इतनी अच्छी है, 30 LED की थी ये। हाँ, 30 बल्ब्स की थी, मतलब जो ये होता है ना इसका, ये 30 बल्ब्स की थी। और क्वालिटी एकदम मस्त है, बस इसमें एक बार एक कमी आ चुकी थी, क्योंकि मैं काफ़ी रफ एंड टफ की तरह इसको यूज़ करती हूँ। जहाँ पे इसका मतलब मेन पॉइंट होता है ना, तो ऊपर है मेरे से, मतलब जो इसका मेन पॉइंट होता है वहाँ से बस इसका टाँका हट गया था, तो वो टाँका मेरे को शॉप पे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाके लगवाना पड़ा, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने वो लगा के दिया और ये कंटिन्यूसली अच्छे से चल रही है। तो मुझे जब ये क्लियर था कि मैं, क्योंकि एक चीज़ के साथ फर्स्ट हुई थी कि मैं बैटरी ऑपरेटर तो बिल्कुल नहीं लूँगी, यूएसबी वाली लूँगी, और यूजबिल वाली मस्त चल रही है जब से। तो गाइज, ये था आज का हॉल वीडियो, आई होप आपको पसंद आए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और जो पहले से हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल पे, प्रीति आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो पे, जिस पे आपको मिलेगी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियो, होम डेकोर, इजी होम डेकोर, और बजट में रह के मैं सारे होम डेकोर करती हूँ, और कबाड़ से जुगाड़ भी मैं करती रहती हूँ। आपने देखी होगी मेरी कबाड़ से जुगाड़ वाली। तो अब मेरी इस चैनल पे दिवाली DIY वाली सीरीज आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।